आई थिंक सबसे पहले तो देखें ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक जब किया, वार्नर ने जिस तरह कैच पकड़ा, आई थिंक एक मोमेंट था ब्रिलियंस का जिससे मैच टर्न अराउंड हुआ, फिर एक रन आउट हुआ बीच में, फिर जैम्पा ने जैसे उनको मौका मिला फिर जैम्पा ने आउट करना शुरू किया। तो आई थिंक जो बैटिंग थी उनकी श्रीलंका की, वो ये समझ बैठी थी कि विकेट भी आसान है, हम जो है वो बड़ा टोटल करने में कामयाब हो जाएंगे। जो बैट्समैन फिर वो जो ओपनर्स के आउट होने के बाद आया ना, वो उसी मोमेंटम में बस यू नो लूज शॉट्स खेले हैं, चांस दिया उनको, तो आई थिंक वहाँ से उन्होंने लूज किए थी। जब चार पांच आपके आउट हो जाते हैं तो फिर आप अंडर प्रेशर रहते हैं थ्रू आउट, और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हो जिनके पास 150 के आसपास के बॉलर हो, वो स्टार्क हो या कमिंस हो, वो तो फिर आपको एक्सप्लॉइट करेंगे ही करेंगे। साथ स्पिन में एग्जांपल, ये वर्ल्ड कप श्रीलंका के लिए बुरा वर्ल्ड कप लग रहा है आगे, बुरा वर्ल्ड कप है। अनफॉर्चुनेटली उनकी जो बॉलिंग है ना, आज थोड़ा सा उन्होंने अच्छा फाइट किया जरूर, लेकिन जो बॉलिंग उनकी पिछले मैचों में रही है ना, वो उनको ले बैठी है, वरना उनकी बैटिंग सिर्फ आज फेल हुई है। और इस विकेट पे मैं बताऊं जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग थी आज, 280 होता तो उनसे चेज ना होता। आज जो अच्छी पॉजिटिव चीज ऑस्ट्रेलिया की थी वो जीत गए, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये है कि उनकी बैटिंग जिस तरह खेल रही थी ना, उसमें आप इजीली रन थ्रू कर सकते हैं, इतना परेशानी की बात अभी नहीं है, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट रहमान खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल चिसी इंजीनियर रहमान खान के नाम से। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम बारहा यही कह रहे हैं कि ये टीम बिल्कुल ही मतलब कुछ करने की काबिल नहीं है, मतलब इसमें कोई भी सलाहियत नहीं है, इसमें सारे एक ऐसे खिलाड़ी है जो मतलब आपको परफॉर्मेंस नहीं करके दे सकते, मतलब आपको वर्ल्ड कप नहीं जितवा सकते, आपको कोई भी अहम मैच नहीं जितवा सकते, तो फिर ऐसे खिलाड़ियों को टीम में रखने की क्या ज़रूरत है? ये सिफारिश आसम माहिर कब निकलेंगे, हम कब ऐसी टीम की सिलेक्शन करेंगे जो सिफारिश जिसमें ना हो, बिल्कुल क्लीन साफ सुथरी मतलब खालिस कारकर्दे की वाली टीम हो। हमेशा से हमारी टीम की जब भी सिलेक्शन होती है ना, आधी से ज़्यादा टीम जो होती है वो सिफारिशी होती है, मतलब उसमें सिफारिशी लड़के खेल रहे होते हैं। आखिरकार हम कब निकलेंगे, ये कोई आज की बात नहीं है, ना कोई एक ही दुखी बात है, हमेशा से ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान टीम के साथ हमेशा से ऐसे ही मजाक होता आ रहा है, लोग हमारे ऊपर हंसते हैं। सिंपल से आप ये मिसाल ले, पिछले साल भी हम बार बार यही कह रहे थे, बार बार हम यही बात दोहरा रहे थे कि जो टीम आपको एशिया कप ना जितवा सकी वो आपको वर्ल्ड कप क्या खाक जितवाएगी? आप मुझे बताएं, आप सबको बताएं, जो भी क्रिकेट के शौकीन है, जो भी फैन है क्रिकेट के, जो भी क्रिकेट को जानते हैं, उन सबको पता है कि एशिया कप बड़े इवेंट है या वर्ल्ड कप बड़े इवेंट है? जो टीम एशिया कप नहीं जितवा सकती आपको, जो टीम इस काबिल ना हो कि एशिया कप जीत सके, उस टीम से आपने ये तौकात रखते कि वो आपको वर्ल्ड कप जितवाएगी, ये कैसे मुमकिन है? दोस्तों आप लोग ने देख लिया होगा कि हमारे सीनियर दर्जेदार क्या कह रहे हैं इस टीम के हवाले से, इस टीम की कारकर्दगी से क्या कह रहे हैं। ये टीम मतलब जब तक हमारी टीम में सिफारिशात चलते रहेंगे ना, हमारा यही हाल होगा। जब तक हम इसे नहीं निकलेंगे ना, जब तक हम कोई खालिस टीम सेलेक्ट नहीं करेंगे जो बिल्कुल ही मेहनत पे मतलब डिपेंड करता हो, तब तक हमारा यही हाल होगा। हम किसी भी टीम से नहीं जीत पाएंगे, हम ऐसे जलील ख्वार होते रहेंगे। और ये पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था ना, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, हम बार बार यही कह रहे थे कि जो टीम एशिया कप नहीं जितवा सकती आपको ना, वो आपको वर्ल्ड कप क्या खाक जितवाएगी? और अभी भी वैसा ही हुआ, जो टीम आपको एशिया कप ना जितवा सकी, उस टीम से आपने ये उम्मीद लगाई हुई है कि वो आपको वर्ल्ड कप जितवा देंगे, वो टीम सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर क्यों ऐसे मतलब टीम को इंतखाब करने की क्या ज़रूरत है? क्या पाकिस्तान में ऐसे टैलेंटेड लड़के नहीं है क्या? सब के सब सिफारिश, हर साल सिफारिश, हर एशिया कप में सिफारिशी लड़के देखने को मिलते हैं, हर वर्ल्ड कप में मतलब सिफारिशी लड़के देखने को मिलते हैं, हर सीरीज़ में सिफारिशी लड़के खेलते हुए देखने को नज़र आते हैं। आखिर ये वजह क्या है? हम कब इस काबिल बनेंगे कि हम अपने मेहनत से आए हुए लड़कों की सिलेक्शन करें? उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।